मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की महालक्ष्मी योजना की शुरुआत। माओ और बच्ची को सुरक्षा किट देगी सरकार। पहले चरण में 17,000 महिलाओं को बांटी गई किट। कांवड़ यात्रा को रद्द किए जाने पर सीएम धामी का बयान। कहा, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। कांवड़ यात्रा को शुरू करने के समर्थन में आप और यूकेडी। कांवड़ यात्रा टालने पर संत महाराज राजी। महंत नरेंद्र गिरी ने कांवड़ियों के घर पर ही अभिषेक करने की अपील की। बोले, सरकार ने सोच समझ कर लिया फैसला। 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पहाड़ पर सक्रिय हुई आप। 300 यूनिट फ्री बिजली को लेकर शुरू हुआ गारंटी अभियान। देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने को लेकर आंदोलन हुआ उग्र। पुरोहितों ने बोर्ड के नामित सदस्यों का किया पुतला दहन। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों पर बारिश से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। धार चूला में बरसाती नाले को पार करने को लोग मजबूर। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। क्षेत्रीय विधायक पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री धामी की पत्नी द्वारा क्षेत्र में निर्माण कार्यों का शुभारंभ कर रुके विकास कार्यों को गति देने का काम किया जा रहा है। खटीमा ग्राम तिगरी में सीएम की पत्नी गीता पुष्कर धामी ने लोक निर्माण विभाग द्वारा 50 लाख की सड़क का शुभारंभ किया। वहीं गीता पुष्कर धामी मुख्यमंत्री पत्नी ने बताया कि क्षेत्र में सभी आंतरिक सड़कों को बनाया जाएगा। वहीं क्षेत्र के लोगों ने सड़क बनने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए खुशी जाहिर की। से यहाँ पे सभी विकास कार्य हो रहे हैं और आज हमने तिगड़ी भुड़ाई में 1600 मीटर रोड का उद्घाटन किया है और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सही गुणवत्ता के साथ में सड़क का निर्माण करें और इन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए जो भी कार्य रुके हुए हैं वो गति से होंगे। जी, प्रतीक्षित तिगड़ी भुड़ाई जो मार्ग का आज शिलान्यास हुआ है माननीय विधायक मुख्यमंत्री श्रीमती गीता धामी द्वारा, मुख्यमंत्री जी की पत्नी गीता धामी द्वारा, तो सभी ग्रामवासियों में हर्षोल्लास के साथ सभी लोग खुश हैं। और बाकी इसके अलावा भी क्षेत्रों में विभिन्न जो कार्य किए जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री महोदय के कार्यों से लगभग खटीमा की जनता बेहद खुश है। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार भाजपा के जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर उन्होंने मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं का गुणगान किया। इस दौरान उन्होंने साफ तौर से कहा कि किसी भी सूरत में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि विधेयक वापस नहीं होंगे। विपक्षी दलों द्वारा किसानों को मुद्दा बनाकर राजनीति की जा रही है। दिल्ली में धरने पर बैठे किसान राजनीति से प्रेरित हैं। कोरोना संक्रमण के चलते कांवड़ यात्रा को टालने के रुख का समर्थन करते हुए परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए सलाह दी है कि वे अपने घरों या गांवों में ही शिव मंदिरों में गंगाजल अभिषेक करें या फिर भीड़ जमाना करते हुए शिवलिंग स्थापित कर अभिषेक करें। उन्होंने साफ तौर पर महामारी की तीसरी लहर को टालने के प्रति समर्थन देते हुए भक्तों से कोविड संबंधी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी संत हैं और उनकी इच्छा भी थी कि एक धारी परंपरा हमारी कांवड़ यात्रा है वह पालन हो, लेकिन तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए मुझे लगता है कि कांवड़ यात्रा आखिर करना ही ठीक है। और सभी शिव भक्तों से, कांवड़ यात्री भक्तों से मेरा एक निवेदन है कि आप लोग संभवतः अपने अपने गांव के जो शिवालय हैं वहां पे गंगा का जल अभिषेक करें अथवा अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके माँ गंगा का जल अभिषेक करें। हरेला त्यौहार के तहत हरियाली तीज पर जन कल्याण विकास समिति और सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षकों ने शिशु मंदिर परिसर में वृक्षारोपण किया।
समिति अध्यक्ष कुशल पाल सैनी ने नीम और पीपल के पेड़ रोपित किए। कुशल पाल सैनी ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण को कम करने और वातावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए हरियाली का होना बेहद जरूरी है और हरियाली साथ ही साथ हरेला त्यौहार का खास मकसद भी यही है कि हमें हर वर्ष लाखों करोड़ों पेड़ लगाए जाएं ताकि ऑक्सीजन की उपलब्धता भी बनी रहे। आज गांव-गांव और शहर-शहर और पूरे राज्य और देश में एक हरेला पर्व के नाम से वृक्षारोपण किया जा रहा है और इसका उद्देश्य यह है कि जो हमारा वातावरण है उसको हम किस प्रकार से शुद्ध कर सकते हैं। पीछे कोरोना में ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई तो पौधे लगाकर हम चाहते हैं कि वो ऑक्सीजन की कमी जो है वायुमंडल में उसकी पूर्ति भी हो सके ताकि लोगों के जीवन को बचाया जा सके। तीज अपना उत्तराखंड का एक त्यौहार तो है ही, पूरे देश में मनाया जा रहा है और आज पेड़ों का लगाने का उद्देश्य यही है कि ऑक्सीजन की कमी सबसे ज़्यादा कमी निकली। आज अपने विद्यालय के अंदर शिशु मंदिर में अपने नीम के पेड़, अमरूद के पेड़, आम के वृक्ष लगाए गए हैं जिससे बच्चों को छाया भी मिले और फल भी मिले। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में रहने वाले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार उत्तराखंड से टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग करने जाएंगे। वहीं मनोज इस खेल में शामिल होने वाले राज्य के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। टोक्यो ओलंपिक में मनोज सरकार पैरा बैडमिंटन की SL3 एकल कैटेगरी में खेलेंगे। जैसे बताना चाहूँगा, मेरा नाम मनोज सरकार है और मेरा जस्ट कल ही सिलेक्शन हुआ है बाय पटेट के थ्रू और उत्तराखंड का एकमात्र पैराबैडमिंटन प्लेयर हूँ जो कि ओलंपिक खेले पैरालंपिक खेले जाऊँगा उत्तराखंड की तरफ से। और मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के लोग मुझे इतना प्यार करते हैं और मैं उनकी आशा को बिल्कुल बरकरार रखूँगा और कोशिश करूँगा कि देश के लिए मेडल लाऊँ। ये जो पैरालंपिक गेम्स है ये जापान में टोक्यो में होने वाला है और जो अभी ओलंपिक होने वाले हैं जस्ट उसके बाद ही 24 अगस्त से ये स्टार्ट हो जाएगा और पैरा बैडमिंटन जो इवेंट है वो 1 सितंबर से 5 सितंबर तक होंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। संकल्पित है भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन तथा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु संकल्पबद्ध है युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु। समर्पित है COVID-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ करने हेतु। प्रतिबद्ध है सभी जनपदों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने हेतु। कटिबद्ध है महिलाओं के स्वावलंबन सशक्तिकरण के लिए। प्रतिज्ञाबद्ध है दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान एवं उन्नयन के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को सिद्ध करने के लिए हर उम्मीद पर खरा उतरना है, विकास के पथ पर आगे बढ़ना है। सुबह के लिए उड़ चला घरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है। मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पौवाधार संघर्ष समिति द्वारा पौवाधार नैनी जानकेश्वर मोटरमार्ग का निर्माण और GIC पौवाधार में विज्ञान वर्ग स्वीकृति की मांग को
लेकर चल रहा आंदोलन जारी है। ग्रामीणों ने आंदोलन स्थल पर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और कहा जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। संघर्ष समिति के अध्यक्ष शंकर सिंह ने बताया कि 3 माह पूर्व में शासन और प्रशासन के द्वारा लिखित आश्वासन देने के बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई। यदि शीघ्र मांगे मानने और पूरी नहीं होती ही तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। भले ही धर्मनगरी हरिद्वार में आयोजित होने वाली विश्व प्रसिद्ध यात्रा कांवड़ यात्रा पर उत्तराखंड सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया हो और हरिद्वार पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी शिव भक्त कांवड़ियों को जिला हरिद्वार में प्रवेश न करने दिए जाने के दावे किए जा रहे हों, बावजूद इसके हरिद्वार स्थित पौराणिक हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर शिव भक्त यात्रियों कांवड़ियों के पहुँचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हरियाणा और आसपास के राज्यों से शिव भक्त कांवड़िए बड़े आराम से हरिद्वार जिले में प्रवेश कर रहे हैं। हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पहुँच कर बड़ी आसानी से गंगा जल भर कर अपने गंतव्य को रवाना भी हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है, इस टाइम बहुत ही बढ़िया वेदर है और यहाँ पे आने के टाइम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत ही अच्छा वेदर है यहाँ पे। गंगा जल लेके जा रहे हैं? हाँ, गंगा जल लेके जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा पे आए थे, हमारी यात्रा बहुत शुभ रही है। गंगा जल लेके हम घर पे जा रहे है और हमें रास्ते में कोई भी कठिनाई नहीं हो रही है और रास्ते में हमें किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा रास्ता बना रखा है गवर्नमेंट ने और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। सुख और शांति का एरिया बहुत अच्छा, भगवान का नाम लेते दोनों टाइम यहाँ पर आरती ली है। नगर पालिका परिषद डीडी हाट के द्वारा हरेला पखवाड़े के तहत वृहद पौधारोपण अभियान नगर पालिका अध्यक्ष कमला चुफाल के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। सीनियर सिटीजन के साथ मिलकर डीडी हाट में लगातार 2 दिनों से वृद्ध पौधारोपण कार्यक्रम चल रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष कमला चुफाल ने बताया कि 1 सप्ताह प्रतिदिन अलग अलग लोगों के साथ मिलकर पौधारोपण करने के साथ उनके संरक्षण के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। हमने डीडीहाट नगर में हमारे जो वृद्ध जन है सीनियर सिटीजन उन लोगों के साथ यहाँ पर हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है और इसी के तत्वाधान में कल हम हमारी सम्मानित माता और बहनें जिनका कुछ ना कुछ योगदान रहा है डीडीहाट में, चाहे वो एक अपने घर को बनाने में या फिर नगर को बनाने में, उन लोगों के साथ कल महिलाओं के साथ प्रोग्राम है सम्मानित माताओं के साथ। उसके बाद हमने यहाँ पर स्कूल के बच्चों के साथ एक प्रोग्राम रखा है तो इस प्रोग्राम के तहत हम पूरे नगर में वृद्ध रूप से वृक्षारोपण करेंगे और हमारी जो सरकार जो प्रयास कर रही है संरक्षित रखने के लिए पौधों का, हम उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर काम करेंगे। धन्यवाद। लक्सर के केशवनगर मोहल्ले में एक कलयुगी बेटे ने अपनी पत्नी की मदद से माँ बाप व बहन को मारपीट कर घर से निकाल दिया। मारपीट में माँ के पैर और बहन के हाथ की हड्डी टूट गई जिसमें तीनों ने एसडीएम से मिलकर मकान खाली कराने की गुहार लगाई। एसडीएम नेगी ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई करने के आदेश लक्सर कोतवाली पुलिस को दे दिए गए। वो छोटी छोटी सी बातों को लेकर के मारना चालू कर देता है। बस ये पापा से ये डिमांड करता है कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दो, वो भी अभी लिखित रूप में, और इसी बात पे वो जब भी चाहता है जब भी मार देता है। और अभी कुछ दिनों पहले उसने मार पिटाई की थी तो मेरी मम्मा ने उसे अपनी जो उनके नाम प्लॉट है वो देने से मना कर दिया कि मैं तुझे वो प्लॉट नहीं दूंगी, तो उस वजह से उन्होंने उन पर जानलेवा हमला किया। हरिद्वार में लूट डकैती हत्या जैसे संगीन अपराधों का ग्राफ एक बार फिर से उछाल में है। हालांकि पुलिस ने अधिकांश मामलों का खुलासा जरूर किया है लेकिन आपराधिक घटनाओं को रोकना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसके चलते पुलिस ने बॉर्डर के गुप्त रास्तों पर सीसीटीवी लगाने और
पुलिस फोर्स बढ़ाए जाने का फैसला लिया है ताकि जिले में होने वाली आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। ये जो आप जो है जो अनलॉक डाउन होने के बाद जो है जो इंटरस्टेट मूवमेंट का जो है कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो पर्यटक जो है जो भी इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहे हैं, जो हमारा जो सरकार का नियम है कोविड गाइडलाइंस का जो है पालन करते हुए पोर्टल में रजिस्टर करना और आरटीपीसीआर 72 घंटे के पहले करना, उस नियम को फॉलो करके आ रहे हैं जो पर्यटक जो आ रहे हैं। लेकिन इस टाइप का गलत काम के लिए आ रहे हैं वो किसी अन्य माध्यम से जो है किस प्रकार का रूट लेके किसी चोर रास्ते से या जो है किसी प्रकार का आके अंदर घटना का अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अभी जो है हम इन सबको चेकिंग का अभियान भी हम जारी रख रहे हैं और बॉर्डर से और जो भी ऐसा रास्ता हमने आइडेंटिफाई कर रखा है वहाँ भी हम फोर्स और सीसीटीवी कैमरा का तैनात कर रहे हैं ताकि जो है इस टाइप का कोई सस्पेशन मोड तो उसके ऊपर भी हम अंकुश लगा सकें। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी एनजीओ में दे देंगे। फंड्स किसी एनजीओ को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें? हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल भाई। मानना पड़ेगा जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में है डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और सवारा जा सके आने वाला कल। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3,000 रूपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wecd.uk.gov.in, कॉल करें 7579215264 पर। कोरोना में जो बच्चे हुए अनाथ उत्तराखंड सरकार थामेगी उनका हाथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्लास्टिक के बढ़ते प्रयोग और उसके कचरे से होने वाले नुकसान को लेकर सरकार सतर्क नजर आ रही है। भगवानपुर क्षेत्र के लाम गांव में एक बड़ा प्लांट लगाया जा रहा है जो उत्तर भारत में सबसे बड़ा और आधुनिक होगा। प्लास्टिक कचरे से होने वाले नुकसान से बचा जा सकेगा और उसका उपयोग भी होगा। दरअसल आजकल आमतौर पर देखा जा सकता है प्लास्टिक का उपयोग सुबह से शाम तक हर इंसान करता है, जिसका नुकसान पर्यावरण और आम आदमी के जीवन पर सीधा पड़ता है। हमारे डायरेक्टर सर श्री सेमवाल सर का एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसमें कॉमन प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग फैसिलिटी का है, जिसमें जितने भी तरह के प्लास्टिक होते हैं, पॉलीथीन हो, मोटा प्लास्टिक हो, रैपर्स आते हैं वो हो, उन सारे को इकट्ठा करके इस ये मशीन ऐसा है, इसकी क्षमता भी बहुत है, उसमें करके वो एक इसका प्लास्ट वुड बनाएगी, प्लास्ट वुड लकड़ी के गुटके टाइप के, और उससे फिर हम कोई भी चीज़ जैसे कोई भी फर्नीचर दीवार जो कि मतलब वर्षा के उस पर असर नहीं होगा, कीड़े नहीं लगेंगे और सैकड़ों सालों तक एज इट इज उसी चमक के साथ और उसी क्वालिटी के साथ रह पाएगा। वन प्रभाग रामनगर के तराई पश्चिमी क्षेत्र के बन्ना खेड़ा रेंज में पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने लाखों रुपए कीमत की खैर की लकड़ी के 61 गिल्टे पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने 3 लकड़ी तस्करों को गिरफ्तार भी किया। पुलिस ने कीमती लकड़ी और तस्करों को अग्रिम कार्रवाई के लिए वन विभाग की टीम को सौंप दिया है। पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि खैर की लकड़ी को अवैध रूप से जंगल से काट कर लाया गया था। साथ ही ये भी बताया गया कि तीनों युवक खैर की लकड़ी को गाजियाबाद और हरियाणा में बेचने का काम करते हैं। और फिलहाल उत्तराखंडी खबरों में भी क्लिक लेते हैं, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है, बस बातें करवा लो इनसे। मैडम आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनके लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। जुबाई के लिए उड़ चला घरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है, मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। संकल्पित हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन तथा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु
संकल्प बद्ध हैं युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु, समर्पित हैं कोविड 19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ करने हेतु, प्रतिबद्ध हैं सभी जनपदों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने हेतु, कटिबद्ध हैं महिलाओं के स्वावलंबन सशक्तिकरण के लिए, प्रतिज्ञाबद्ध हैं दलित पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान एवं उन्नयन के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को सिद्ध करने के लिए हर उम्मीद पर खरा उतरना है, विकास के पथ पर आगे बढ़ना है।